हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छी और फ्रेश फिश चचोरी जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहले देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मतलब 6-7 महीने बाद हम लोगों को बेंगलोर में आज ये फ़िश मिले हैं। टेंगरा फिश बोलते हैं, जो हमारे वहाँ पर नदी की, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत दिनों बाद मिले हैं तो हम लोग हाफ़ के जी लेकर आए हैं, जो बहुत ही अच्छी और फ्रेश था फिश था। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं सोच रही थी कि आज फिश चचोरी बनाते हैं। ये फिश देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद सारे फिश मैंने साफ़ करके धो लिए हैं, बहुत ही मुश्किल से साफ़ कर लिए फ्रेंड्स। जैसे मेरी माँ बनाती है वैसे ही मैं बनाने की आज कोशिश करूँगी। सबसे पहले फिश साफ़ करके धो लिए है, उसके बाद दे दी है थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, प्याज, हरी मिर्च और सरसों का तेल दे दिए है। और दे दिए है 2 मीडियम साइज़ में का टमाटर दे दिए है, पतला पतला कर कर। सारे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और आधा घंटा बाद ये फिश चचोरी बनाएंगे। आज थोड़ी सी अलग स्टाइल में बनाया के दिखाऊंगी, इसीलिए सारे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद तो चलिए अभी बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल दे दिए है, उसमें दे दिए है जीरा और सरसों दे दिए है। गर्म होने के बाद फिर दे दिए है, आज थोड़ी सी अलग इसीलिए बना रही हूँ, मतलब तेल में मैंने प्याज हरी मिर्च नहीं फ्राई किए हैं। उसके बाद और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं दिए है, बाद में दे दूँगी, इसीलिए पहले मैंने सारे मसाला के साथ मिक्स करके रखी थी और बाद में मैंने कोई प्याज हरी मिर्च तेल में देकर नहीं फ्राई किए है। तो मैं आज ऐसे ही बनाऊंगी। सारे फिश मैंने दे दिए हैं, अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ। फ्लेम मीडियम रख दिए है मैंने, सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, भून लेना है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले के साथ फिश मिक्स कर लिए हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, अभी ढक्कन दे के रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम है मैंने पकाया है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद फ्लेम हाई करके रख दिए है फ्रेंड्स, और 4-5 मिनट तक फ्लेम हाई में अच्छी तरह से मैंने भून लिए है। देखिए पानी सोख चुकी है, सारे प्याज से जो पानी सोख चुकी थी और टमाटर से एक्स्ट्रा पानी सूख चुकी है फ्रेंड्स। सारे मैंने अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं, मतलब कोशा कर लिए है पहले। उसके बाद इसमें थोड़ी सी पानी दे देंगे, ज़्यादा नहीं दूंगे क्योंकि आज मैं चचोरी बना रही हुई है, मतलब कोशा बना रही हूँ, जैसा हो वैसे ही बना रही हूँ। और सारे पानी में अच्छी तरह से इस तरह से मिला लिए हैं, अब फ्लेम हाई में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिश में बॉयल आ चुकी है। ढक्कन देखे मैंने पकाया था 4 से 5 मिनट तक, उसके बाद ढक्कन हटा दिए है। अभी फ्लेम हाई से थोड़ी रख दी है, इस फ्लेम में ऐसे रखकर पकाऊंगी ताकि सारे मसाला फिश के अंदर जाए। थोड़ी सी धीरे धीरे से मैं पका रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कलर कितनी अच्छी लग रही है, और शाम हो रही है फ्रेंड्स, इसीलिए कलर ऐसी लग रही है। कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, फाइनली देखिए फिर चचोरी हमारी हो चुकी है। अभी लास्ट में मैंने थोड़ी सी धनिया पाउडर दे दिए थे और मिक्स कर लिए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही है फिश में से। फिश अभी पूरी तरह से हो चुकी है, अभी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। थोड़ी सी ठंडा होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। रात हो चुकी है तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, वीडियो करना भूल गई थी, तो मैं रात को ही इस तरह से आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो करके रखी है फ्रेंड्स, बाद में मुझे याद आया मैंने वीडियो नहीं की है। और आप लोग इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए, गर्मा गर्म राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है।
और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।